इस देश की विभिन्न कचहरियों ने, चाहे ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, इन सब ने पाया है कि शराब घोटाले में प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गई है आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ, और इसीलिए अनिवार्य हो गया है कि जांच एजेंसियां अपना काम करें और शराब घोटाले की जांच अच्छे से करें। बहुत शर्मनाक बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जांच से भाग रहे हैं। नवंबर 2023 से ईडी प्रयास कर रही है, समन पे समन भेज रही है और आग्रह कर रही है कि केजरीवाल जी आए और जांच में जुड़े, लेकिन वो हमेशा अजीब अजीब से बहाने बना रहे हैं। कभी कह देते हैं कि मैं चुनाव प्रचार में बिजी हूं, कभी कह देते हैं कि मैं विपासना की 10 दिन की वर्कशॉप में जा रहा हूं, और पिछली बार उन्होंने बहुत ही उद्दंड रिस्पांस भेजा था ईडी को ये कह के कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, मैं तो जांच में जुड़ूंगा ही नहीं। अब ईडी को चौथा समन भेजना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आए और 18 जनवरी को जांच में जुड़े। केजरीवाल जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए एक्ट अनिवार्य करता है कि अगर ईडी का समन आया है तो आपको जांच में जुड़ना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, लेकिन आप बार बार इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके साथी एक कहानीकारों की पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी, आपके सभी साथी भ्रमित कर रहे हैं जनता को और अजीब अजीब सी भविष्यवाणियां करते हैं कि आप अरेस्ट हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इतना बड़ा शराब घोटाला आपकी पार्टी के नेताओं ने करा है, आप जांच से भाग क्यों रहे हैं? आप अगर कट्टर ईमानदार हैं, आपका बेदाग दामन है, तो जाइए जांच में जुड़िए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जब जब आप निरादन करते हैं समन्स का, तो आप भी विवश करते हैं कि ये जांच एजेंसियां आपके द्वार तक आए। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप चाहते हैं कि ये जांच एजेंसियां आपके द्वार तक आए ताकि आपकी एक विक्टिम कार्ड प्ले कर सके। केजरीवाल जी, आप बहुत ही लापरवाह नेता उभर कर आ रहे हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथी मनीष सिसोदिया जी की बेल 7 बार रिजेक्ट हुई है, वो जेल में है? क्या आपको फर्क नहीं पड़ता कि संजय सिंह जी की बेल रिजेक्ट हुई है, वो जेल में है? आप जांच में क्यों भाग रहे हैं? आप जांच में क्यों नहीं जुड़ने हैं? मेरा आग्रह है आपसे, ये वीवीआईपी सिंड्रोम छोड़िए, ये जो आम आदमी के आवरण में आप इतने खास आदमी बन गए हैं, इसको एक तरफ रखिए। देश का कानून समानतः सब पर लागू होता है, चाहे वो एक सामान्य व्यक्ति हो, चाहे दिल्ली का मुख्यमंत्री।